नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मैं सविता आज आपको बनाने सिखाऊंगी पंजाबी सरसों का साग कैसे बनाते हैं। सर्दी के मौसम में वैसे भी सरसों के साग बहुत ही अच्छा लगता है सभी को और ये बहुत ही पौष्टिक होते हैं। दोस्तों, आजकल सर्दी के दिनों में सरसों के साग सबको बहुत ही अच्छा लगता है और सरसों के साग बहुत ही पौष्टिक होते हैं। दोस्तों, गर्मी के दिनों में सरसों का साग बहुत ही अच्छा लगता है सबको खाने में और वो बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। तो मैं आपको आज बनाने सिखाऊंगी कि सरसों का साग कैसे बनाते हैं। तो सरसों का साग बनाने के लिए सबसे पहले हम सरसों का साग लेते हैं। मैंने लिया है 500 ग्राम सरसों का साग और मैंने लिया है पालक 100 से 150 ग्राम और मैंने लिया है बथुआ लिया है, ये भी मैंने 100 ग्राम के लगभग लिया है। आप बनाना चाहें तो सरसों के साग से भी बना सकते हैं। अगर आप सारे पत्ते मिक्स करके बनाएंगे तो ये ज़्यादा टेस्टी होगा, इसलिए मैंने मिक्स करके पत्तियाँ ली है, पालक, सरसों और बथुआ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसको बॉईल करेंगे, तो उसके लिए मैं गैस ऑन करती हूँ। मैंने गैस ऑन कर लिया है, अब इसको थोड़ी सी हम गर्म होने देंगे कुकर को। उसके बाद जितने भी मेरे पास सरसों के साग और पालक साग है और बथुए के साग, उसको मैं इसमें डाल लेती हूँ। और मैंने एक शलगम लिया है, इसको भी डालना है। थोड़ा थोड़ा करके आपको डालना है। दोस्तों, ये मेरे पास थोड़ा साग ज्यादा है इसलिए मैं 5 से 10 मिनट तक गलाने के लिए रखती हूँ, क्योंकि मेरे पास साग थोड़ी ज्यादा है। तो धीरे धीरे करके ये गल रहा है और फिर मैं डाल रही हूँ कुकर में और इसको धीरे धीरे हम ऊपर से नीचे करते रहेंगे ताकि नीचे का जो साग है वो अच्छी तरीके से गल जाए। जो दूसरा और भी साग बचे मेरे पास उसको मैं एडजस्ट कर सकूं। साग मैंने पूरा डाल दिया है और मैंने एक शलगम लिया था वो मैंने 4 टुकड़ों में काट लिया है, ये भी मैं इस साग में डाल दूंगी बॉईल करने के लिए। और थोड़ी सी मैं नमक डाल लेती हूँ ताकि साग अच्छी तरह से गल जाए। इसके बाद थोड़ी सी मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। इसके बाद मैं ढक्कन बंद करके साग को 2 सीटी लगाना है। अब इसमें 3 सीटी आ गए हैं, 3 सीटी आने के बाद मैं इसको बंद कर लेती हूँ। अब इसका स्टीम निकल जाने तक हम इसको ऐसे नीचे उतार देते हैं। साग को तड़का देने के लिए मैंने कढ़ाई गैस पे रख लिया है, अब मैं इसको तड़का लगाऊंगी। ये बिल्कुल गर्म हो चुका है, इसमें अब मैं तेल डाल लेती हूँ। थोड़ी सी जीरा डाल रही हूँ। जीरा डालने के बाद मैं सूखी लाल मिर्च लिया है, 3-4 साबुत लाल मिर्च लिया है, वो मैं डाल देती हूँ इसमें और इसको मिलाना है। और जो मैंने बारीक कटा हुआ लहसुन और अदरक लिया है वो भी मैं इसमें डाल लेती हूँ। इसको 2 से 3 मिनट तक हिलाते हैं। और जो मैंने बारीक कटा हुआ हरी मिर्च लिया है ये भी मैं डाल लेती हूँ। इसके बाद जो हमने बारीक प्याज कटा हुआ था ये डाल लेते हैं। इसको भी 2 से 3 मिनट तक पकाना है जब तक ये ब्राउन कलर ना हो जाए। ये बिल्कुल ब्राउन होने लगा है,
अब ये बिल्कुल ब्राउन हो चुका है। नेक्स्ट मैं ये डालती हूँ टमाटर जो मैंने भरी कटा हुआ लिया था, इसको भी हम 5 से 10 मिनट तक भूनते हैं। साग में मैंने नमक डाला था इसलिए थोड़ी कम डालूंगी मैं, 1 चम्मच डालूंगी। थोड़ी सी लाल मिर्च डालूंगी, थोड़ी सी धनिया, एक चम्मच हल्दी और थोड़ी सी गरम मसाला। इसके बाद इसको हम 5 से 10 मिनट तक मिक्स करेंगे। गैस को हम मीडियम पे रखेंगे, बीच बीच में हिलाते रहेंगे, नहीं तो ये जल जाएगा। बिल्कुल होने लगा है, बिल्कुल हो चुका है। तब तक भूने जब तक कि मसालों से तेल अलग ना हो जाए, इससे क्या है कि ज़्यादा टेस्टी होते हैं। अगर हमारी मसाला अच्छी भुनी हो तो टेस्टी सब्जी ज़्यादा टेस्ट होते हैं। दोस्तों मसाला बिल्कुल तैयार है। जो मैंने साग बॉईल किया था वो मैंने मिक्सर में पीस लिया है। ये देखिए अब इसको मैं इस मसाले में डाल रही हूँ। ये मैंने डाल दिया है। अब इसको मैं 10 से 20 मिनट तक ऐसे हिला हिला के बार बार हिलाते रहना है क्योंकि ये जलता है, तो इसको 10 से 20 मिनट तक पकाना है, वो भी मीडियम आंच पे। देखिए कितना अच्छा है इसका कलर और बहुत ही टेस्टी। 10 से 20 मिनट तक इसको पकाते रहना है, ये साग बिल्कुल पकेगा तो इसमें साग और तेल बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे। तब तक हमें पकाने हैं इसको ऐसे हिला हिला के, अगर हम नहीं हिलाएंगे तो नीचे चिपक जाएगा। दोस्तों ये बिल्कुल पानी, इसमें बिल्कुल पानी नहीं है, अब ये बिल्कुल परफेक्ट तैयार है। इसके ऊपर आप मक्खन भी डाल सकते हैं, बिल्कुल पानी नहीं है। अब ये बिल्कुल तैयार है, आप इसे सर्व कर सकते हैं। दोस्तों सरसों की साग बिल्कुल तैयार है, आप इसे मक्के की रोटी के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट दें।